हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष रंजन और आपका स्वागत करता हूं ट्रू कार इंडिया में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक होंडा की न्यू कार के बारे में, जो कि एंट्री लेवल सेडान है। और जी हां, मैं होंडा अमेज की बात करने वाला हूं। वो बहुत ही कमाल की बन के आई है एक नए ही डिज़ाइन में, बिल्कुल पुराने डिज़ाइन से हटकर। और इसके अंदर काफ़ी सारे आपको प्रीमियम फीचर्स देखने में मिलेंगे, जो कि इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं है। और इस गाड़ी को इंस्पायर किया गया है मेरे मानने से एकॉर्ड से, जो कि सबसे टॉप ऑफ द लाइन सेडान रह चुकी है होंडा में। फ़िलहाल वो इंडिया में नहीं अवेलेबल, मगर इसके आगे पीछे एक्सटीरियर इंटीरियर्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें डिज़ाइन दिया गया है। तो इसके सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए, एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स कंफर्ट और ये चलाने में कैसी मिली और इसके क्या क्या प्राइस रेंज है, तो हमारा ये पूरा रिव्यू देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में इसके फ्रंट डिज़ाइन को बिल्कुल अलग बनाया गया है, काफ़ी स्क्वायरिश लुक दिया गया है, जो कि ट्रेंड अभी चल रहा है कर्व्स का और काफ़ी फ्लूइडिक डिज़ाइन का। उस ट्रेंड से बिल्कुल हटते हुए इसे शार्प लाइंस दी गई हैं। सामने की तरफ काफ़ी क्रोम का यूज़ किया गया है, ग्रिल्स भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। इसके हेडलाइट्स और बोनट को स्ट्रेट दिया गया है एक लुक, जिससे कि जो ड्राइवर है उसको चलाने में अच्छी सी दिखाई देगा कि उसका बोनट कहाँ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ड्राइविंग डायनेमिक्स थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, थोड़ी सी चलाने में आसानी होगी। बट हो सकता है कुछ लोगों को ये लुक्स अच्छे लगे, कुछ लोगों को नहीं लगे। इसके बेस मॉडल में ही आपको 14 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं स्टील व्हील्स, और टॉप मॉडल में इसके अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिसमें 15 इंच हो जाते हैं। साथ ही इसके अंदर फॉग लैंप्स वगैरह भी मिलते हैं और LED हेडलैंप्स भी मिलेंगे टॉप मॉडल में, जो कि अपने आप में काफ़ी अलग लुक देती हैं और बहुत इंस्पायर्ड लगती है होंडा सिटी से। साइड में चलते हुए देखेंगे तो इसमें एक क्रीज लाइन दिखेगी, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस देती है। और इसका इस तरीके का डिज़ाइन बनाने से इसके इंटीरियर में काफ़ी स्पेस बढ़ जाता है। और रियर में अगर आप चलें तो जैसा कि मैंने कहा था कि अकॉर्ड से इंस्पायर्ड इसके रियर टेल लाइट्स दिए गए हैं, जिसमें आप साफ तरीके से देख सकते हैं। इसके बॉक्सी डिज़ाइन होने की वजह से इसका बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़ जाता है, नियरली 420 लीटर्स, जो कि इस सेगमेंट में कई कारों से बहुत ज़्यादा है, इवन डिज़ायर से भी ज़्यादा है। अगर कंपैरिजन करें तो पीछे की तरफ इसका लोडिंग लिप थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, जिससे कि सामान उठा के रखना भारी थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसमें रियर पार्किंग सेंसर भी आपको मिलते हैं बेस मॉडल से ही, साथ ही इसके अंदर रियर कैमरा भी मिलेगा, जो कि टॉप मॉडल में अवेलेबल होता है। साथ ही इसमें साइड इंडिकेटर्स भी दिए जाएंगे और आपके साइड मिरर्स फोल्डिंग भी हो जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और इलेक्ट्रिकली रोटेटेबल भी हैं। पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ प्रीमियम कार्स में देखा जाता था, जो कि आपके इस लुक को बहुत ही सटल बना देता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन देता है। और इसके इस तरीके से डिज़ाइन होने से इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी 172 mm दिया गया है, जो कि हमारे इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अच्छे खासे टूटे फूटे रोड पे भी आप आराम से मैनेज कर सकेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें और आपको ऐसी वीडियोस और भी देख पाएं। और अगर आप चाहते हैं कार लोन्स लेना और कार इंश्योरेंस लेना, जो कि आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, जो कि आपके डीलर से भी कम इंटरेस्ट रेट में मिल सकता है, तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर ज़रूर क्लिक करें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे कि आपको हमारे एग्जीक्यूटिव 24 आवर्स में कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको सबसे अच्छी डील्स दिला सकते हैं। अब इसके इंटीरियर डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको सेफ्टी के बारे में बताता हूँ। इसके में सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है, इसके मेटल पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। और बेस मॉडल से ही आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं, साथ ही ABS और EBD का भी फीचर मिलता है, जो कि स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है और इस मार्केट में ज़रूरी है। और साथ ही आपको मिलता है कीलेस एंट्री का फीचर, जिससे कि आपकी चाबी आपकी जेब में ही रहेगी और बाहर के बटन को दबा के आप अंदर जा सकते हैं, और जब आप बाहर निकलेंगे तो उसी बटन को दबा के आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके इंटीरियर की खास चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करता हूँ मैं इसके स्टेयरिंग व्हील से। स्टेयरिंग व्हील काफ़ी कॉम्पैक्ट और अच्छा बनाया गया है, जो कि स्टडी फीलिंग देता है और ड्राइविंग डायनामिक्स में भी इम्प्रूव करता है। इसके अंदर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, साथ ही कॉल को उठा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है। साथ ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी इंस्पायर दिखता है आपको होंडा सिटी से, जो कि बहुत ही क्लीन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगता है। साथ ही आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसका सेंट्रल कंसोल आता है। अब मैं बता दूं, इसके टॉप मॉडल में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है और इसके अंदर अब आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले भी मिलता है, जिससे कि आप अपने फ़ोन को डायरेक्टली कनेक्ट करवाएंगे और आपके फ़ोन के कुछ एप्लीकेशन एंड फीचर्स डायरेक्ट उस डिस्प्ले में दिखेंगे और आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल मैप्स। उसके अलावा इसके नीचे आपको काफ़ी स्पेस मिलता है, दो कप होल्डर्स भी मिलते हैं, उसके अलावा आगे एक सामने रखने की जगह, साथ ही 12 वोल्ट चार्जिंग यूनिट भी मिलता है और उसके बगल में आपको USB पॉइंट भी मिलता है, जिससे कि आप बहुत सारी USB जैसे मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं और भी तमाम काम कर सकते हैं। बट इसके नीचे साइड में सेंटर कंसोल में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिखता, थोड़ा बहुत कॉइन्स वगैरह रखने का स्पेस है, बट उसके अलावा काफ़ी कुछ मॉडर्न नहीं दिखता। साथ में इसका जो गियर क्लस्टर है काफ़ी स्मॉल है, जैसे कि
छोटे हाथ हो चाहे बड़े हाथ हो, आराम से आप गियर चेंजेस कर सकते हैं। लेफ्ट की तरफ डैशबोर्ड को देखें तो डैशबोर्ड एक बहुत ही शानदार तरीके से लेआउट है, थोड़ा सा बल्की लुक है जिसकी वजह से आपको एसयूवी वाली फीलिंग आएगी और पूरा डिज़ाइन भी इसी तरीके से इंस्पायर लगता है मुझे। इसके अंदर सेंट्रल कंसोल में आपको ब्लैक मिरर फिनिश भी देखती है जिसे पियानो ब्लैक भी कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है जिसे आप सामान रख सकते हैं। सेंट्रल कंसोल हो गया, पीछे की तरफ एक बोतल होल्डर हो जाता है, शायद ही दोनों दरवाज़ों में आपको बोतल होल्डर से रखने की जगह मिलती है। साथ ही इसका जो डैशबोर्ड है यानी ग्लव बॉक्स जिसे कहेंगे, वो दूसरी कार कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा मिलता है और पूरी ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई जाती है। जैसे कि इसका प्राइस आपको दर्शाएगा कि इसके अंदर सच में अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है। डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मारुति डिज़ायर से मुझे पर्सनली इसकी प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है। इंटीरियर डिज़ाइन में इसमें ब्लैक एंड बीज फिनिश दिया गया है, दो रंगों का मेल, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। साथ में इसके इंटीरियर में सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे खास होती है इसकी सीट्स। इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल बनाई गई हैं और इसका सीट्स का ऐसा डिज़ाइन है जो कि सपोर्टिव भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में इससे अच्छी सीट्स किसी और कार में नहीं है। साथ ही आपको ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है और जो कि हाइट एडजस्ट करने की वजह से आपकी लंबाई चाहे कितनी भी हो आप आराम से अपनी पोजीशन को लेके एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको स्टीयरिंग टिल्ट का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही इसके अंदर विंडोज़ में आपको वन टच अप एंड डाउन का भी फीचर मिलता है बट ड्राइवर साइड के लिए, मगर आप टॉप मॉडल में जाएंगे तो आपको चारों विंडो ऐसी ही मिलती हैं जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है और ज़्यादा बड़े लेवल की कार्स में ही देखा जाता है। चलिए आप बैक सीट में आ जाते हैं। बैक सीट में आने के बाद ही आपको बहुत बड़ा स्पेस का अनुभव होगा और मैं कह रहा हूँ स्पेस मतलब सच में, क्योंकि इसका लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से इसके अंदर पीछे की जो सीटिंग पोजीशन है उसको भी इस तरीके से एंगल दिया गया है जिससे कि आपको बैठने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ओपन एयरी फील होता है। साथ ही इसके अंदर पीछे टॉप मॉडल में आपको हैंडरेस्ट भी मिलता है जिसके अंदर कप होल्डर्स भी मिलते हैं, पीछे की तरफ आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा और पीछे की तरफ भी आपको बोतल होल्डर्स मिलते हैं जिससे कि आपको सामान रखने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे इसके प्राइस पॉइंट का और उसके अलावा इसके इंजन परफॉर्मेंस का। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसके इंजन परफॉर्मेंस का। इसके अंदर दो इंजन मिलते हैं आपको, 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि बहुत ही मजबूत और पावरफुल इंजन है, 99 bhp देता है और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही पावरफुल है और आपको आराम से सफ़र करने में मदद देगा। मगर इस डीजल इंजन में एक थोड़ी सी खामी देखने को मिलेगी कि आप लो स्पीड पर चल रहे होंगे तब आपको मनूवर करने में थोड़े से झटके लग सकते हैं, इतनी स्मूथ नहीं होगी फीलिंग। जैसे ही आप स्पीड पकड़ते हैं 2000 से 2500 rpm पे आपकी स्पीड काफ़ी मजबूत हो जाती है और आपको एक ग्रंट मिलता है सॉलिड स्पीड में जाने के लिए जो कि हाईवेज के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अब दूसरा इंजन आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। ये थोड़ा सा कमज़ोर इंजन है बट फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। 1.2 लीटर का इंजन 89 bhp देता है, साथ ही 110 के नियर अबाउट न्यूटन मीटर देता है टॉर्क जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है कि लो एंड टॉर्क जो मैंने पिछली बात की थी डीजल में वो नहीं है, मतलब लो एंड टॉर्क ज़्यादा अच्छा है जिससे कि आप शॉर्ट स्पीड्स पे ट्रैफिक कंडीशन में 40-50 की स्पीड में जो जनरली सिटी ड्राइविंग कंडीशन होती है आराम से आप चल सकते हैं, आपको बार बार गियर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप थर्ड गियर में हैं और स्लो डाउन होते हैं तो दोबारा सेकंड गियर जाने की बहुत खास ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से पुश कर सकते हैं। हाँ, आपको पिकअप उतना तेज़ नहीं मिलेगा बट आपको स्मूथनेस ज़रूर मिलेगी। पिकअप चाहिए, पावर चाहिए, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली डीजल की तरफ जाइए बट यहाँ पे स्मूथनेस बहुत अच्छी मिलेगी और होंडा हमेशा से मशहूर है अपने इस तरह के डिज़ाइन के लिए जो कि पेट्रोल इंजन के लिए ज़्यादा फेवर करता है। और इसके बाद आपको पेट्रोल में और डीजल में दोनों में ही आपको ऑटोमेटिक का वर्जन मिलता है। इसके अंदर चार वेरियंट्स अवेलेबल हैं, ES, V and VX। तो बीच के जो S&V मॉडल हैं उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है और ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं। देखिए, इस मॉडल में पैडल शिफ्टर मिलता है और किसी सेगमेंट में नहीं मिलता है, मुझे जान के बड़ी हैरानी है क्योंकि ये काफ़ी महंगी कार्स में ही अवेलेबल होता था जो कि इसमें भी अवेलेबल है। जो पैडल शिफ्टर होने से स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको गियर्स के पैडल मिलते हैं जिसमें आप प्लस एंड माइनस गियर्स एडजस्ट कर सकते हैं जो कि चलाने में काफ़ी मज़ा आता है जिसको। और उसके अलावा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो पेट्रोल में मुझे जहाँ तक भरोसा है कि नियरली 13-15 आप इजीली अचीव कर लेंगे कैसे भी ट्रैफिक कंजेशन में, मगर कंपनी क्लेम करती है अबव 17, मगर आप हाईवे पे जाएंगे तो डेफिनेटली अबव 17 अचीव कर सकते हैं। और डीजल तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता ही है क्योंकि इसके अंदर आप अबव 15 आपको आराम से मिलता है, 15-18 आपके सिटी में, और अबव 18 एंड 20, नियरली 20 आपको हाईवे पे अचीव हो सकता है। तो इसके बड़े विंडोज़ और अच्छे डिज़ाइन की वजह से मुझे आराम से देखने में भी आसानी हो रही थी और जिसकी वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसके प्राइसेस की। प्राइसेस की आपको जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी पेट्रोल और डीजल की। एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ, मुझे एज़ कम्पेयर टू डिज़ायर जो कि इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है,
वहाँ से ये थोड़ी सी महंगी है, नियरली 20-25 हज़ार रुपये। और अगर आप ऑटोमेटिक्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाता है, नियरली 60-65 हज़ार रुपीज़ आ जाता है। यहाँ पे होंडा थोड़ा सा महंगा और हो जाता है और डिज़ायर थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। मगर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कम्फर्ट और पैडल शिफ्टर्स और ऐसे फीचर्स जो कि ज़्यादा स्पेस देते हैं, कंफर्ट देते हैं, तो वो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरफ देखें। तो उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे दूसरे वीडियोस भी देखिए जो कि कंपैरिजन वीडियो आने वाला है और उसके अलावा डिज़ायर वीडियो। तो फिलहाल के लिए अलविदा, गुड बाय, गुड लक एंड सेफ ड्राइविंग।